आगरा मालवा में फैला बर्ड फ्लू, भोपाल में की गई थी जांच, मांस विक्रेताओं को नोटिस, एक हफ्ते तक चिकन बेचने पर लगा बैन। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगरा मालवा में रविवार को मृत मिले 33 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इनकी जांच भोपाल की लैब में की गई। मंगलवार को जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने आगामी 7 दिनों तक आगरा में चिकन बेचने पर बैन लगा दिया है। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने भी अधिकारियों की बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंगलवार को भी 10 कौवे मृत मिले हैं, जबकि रविवार को 33 और सोमवार को 5 कौवे मरे हुए मिले थे। पशु स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक SB कोसरवाल ने बताया कि मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। एहतियात के तौर पर चिकन के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में करीब 1 साल बाद फिर से बर्ड फ्लू की दस्तक की आशंका बनी है। जिला मुख्यालय पर एक साथ एक दिन में 33 कौवे मृत पाए गए हैं। अचानक बड़ी संख्या में कौओं की मौत की जानकारी लगने पर हड़कंप मच गया है। इसके बाद नपा प्रशासन और पशु स्वास्थ्य विभाग ने मृत कौवे के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा है। अगर मालवा जिला मुख्यालय पर विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में मृत कौवे के मिलने के बाद स्थानीय जागरूक लोगों ने इसकी सूचना नगर पालिका को दी। सूचना मिलने पर नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुगलज मौके पर पहुंचे और मृत कौओं को अमले से इकट्ठा करवाया गया। साथ ही पशु स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है कि आखिर एक साथ इतने कौओं की मौत कैसे हुई है। फिलहाल एक मृत कौवे का सैंपल लेकर भोपाल लैब में जांच के लिए भेजा गया है। नपा के स्वच्छता निरीक्षक के अनुसार अभी तक करीब 33 कौवे मृत मिले हैं, बाकी कई मरणासन्न हालत में भी मिले हैं। मृत कौओं को ट्रेचिंग ग्राउंड में गड्ढा खोद कर दफन किया जा रहा है। साथ ही बाकी इलाके की भी सर्चिंग की जा रही है जिन इलाकों में कौवे मृत मिले हैं। जिला मुख्यालय के इन्हीं इलाकों में पिछले साल दिसंबर और इसी साल जनवरी में सैकड़े कौवे व बगुलों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।